ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर, हाउ लॉन्ग विल बी एलोन टेक टू डू इट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को, ए जो है किसी भी वर्क को 4 आवर में कंप्लीट करता है। बी एंड सी यानी बी प्लस सी, इस तरह से आप लिखेंगे, बी एंड सी वर्क टुगेदर इन 3 आवर यानी 3 घंटे में काम करता है, एंड ए एंड सी वर्क टुगेदर इन 2 आवर, इस तरह से काम करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो भी चीज़ें गिवेन हो आपको इस तरह से लिख लेना होता है। तो यहाँ पे जो आपका दिया होता है ये टाइम दिया होता है, ठीक है। तो टाइम का आप जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब टाइम का आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 3 एंड 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो जो भी आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो भी चीज़ आएगा वो होता है आपका टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना हुआ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 3 रोज बनानी है, ठीक है। इस तरह से 3 एरो बनाना है। उसके बाद टोटल वर्क जो होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, पावर लिखने वाले हैं, ठीक है। पावर, तो पावर क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस वाले कॉलम के लिए अगर देखें तो टोटल वर्क हमारा है 12, 12 है, और टाइम कितना है इसके लिए 4 है। तो 12 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 3। सिमिलरली यहाँ पे 12 अपॉन 3 इन दोनों के लिए, बी प्लस सी के लिए 3 था इनका टाइम, तो 12 अपॉन 3 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली 12 अपॉन, क्योंकि वर्क अपॉन टोटल ए एंड सी के लिए कितना था टाइम, 2 आवर का, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है। तो ये जो हमारा आ गया पावर आ गई। जैसे ही आप पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जैसे यहाँ पे 3 आया हुआ है, तो इसका मतलब जो ए है एक दिन में मान लेते हैं कि 3 बाल्टी पानी भरता है, ये उसकी पावर है ए की, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 को यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, तो ए की पावर 3 हो गई। अच्छा, ए एंड सी दोनों को मिला करके एक दिन में कितना पावर होता है इनका, 6 होता है, ठीक है। तो ए की अगर 3 हो गई तो सी की कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगी। तो सी की आपको पावर 3 मिल गई, एंड जब सी की मिल गई तो सी को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सी की पावर 3 हो गई, और टोटल बी एंड सी की पावर कितनी है, 4 है। तो आपको क्या करना होता है, अगर सी की 3 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से बी की पावर मिल गई और यहाँ से सी की पावर मिल गई। तो क्वेश्चन में बट आपसे क्या पूछा हुआ था कि बी को कितना समय लगेगा, बी हाउ लॉन्ग विल बी एलोन टेक टू डू इट, कितना समय लगेगा बी को अकेले इस काम को करने में। तो आपको करना क्या होता है, जो हमारा टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी क्या होगा हमारा, फार्मूला हो जाएगा आपका पावर, सॉरी वर्क अपॉन पावर। यहाँ पे अगर उसको आप चेंज करेंगे, वर्क अपॉन पावर आपका फार्मूला आ जाएगा टाइम इक्वल टू। तो टोटल वर्क हमें करना है 12, और जो बी को काम करना है ना, बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी की पावर आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो बी की पावर कितनी है, 1 है, तो कितना जाएगा 12 आवर। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।